हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया, राइट। और एज यूजुअल मैं हमेशा की तरह इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ओसी और स्टेटिस्टिक्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रहा हूँ 11th और 12th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड के लिए। आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा दैट वुड बी अबाउट 12th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड, राइट। ये लेक्चर 12th गुजरात बोर्ड वालों के लिए रहेगा। बहुत फरमाइश आ रही थी, कमेंट बॉक्सेस पूरा भर चुका था मेरा कि सर बहुत दिन हो गए, अब 12 GB वालों के लिए भी कुछ कंटेंट ला दिया जाए। इसलिए आज मैं एक बहुत सिंपल सा छोटा सा चैप्टर लेके आया हूँ। ये चैप्टर भले ही छोटा है, चैप्टर भले ही सिंपल है, बट एग्जाम में इसका वेटेज बहुत सारा है, एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस बहुत सारा है। सो आज हम इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा चैप्टर देखने वाले हैं। ये चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन, राइट। सो आज बिना ज्यादा देर किए सीधा फटाफट अपने काम पे आगे बढ़ते हैं। बट वापस एज यूजुअल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरे लेक्चर्स में मजा आ रहा है, तो जरूर से अपने दोस्तों को बताइए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। सर इसका खाली बेसिक मीनिंग क्या होता है, इससे मेन मेन मकसद क्या निकलता है? इसका मेन मकसद ये निकलता है कि सर हमें मोटिवेशन मिलता है। ऑनेस्टली बीच में कई बार ऐसा होता है कि थक जाते हैं यार, वीडियो बना बना के कोई मजा नहीं आ रहा, आई डोंट फील कि बच्चों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई एम जस्ट गिविंग माई एफर्ट्स। बट जब एक कॉमेंट आता है कि सर आ जाओ यार, बहुत दिन हो गए आपने कुछ पढ़ाया नहीं, हम वेट कर रहे हैं, तो वह एक कॉमेंट बहुत सारी एनर्जी देता है कि चल यार एक अच्छा सा कंटेंट और डेवलप करते, कुछ अच्छे से नोट्स और बनाते हैं, बच्चों के लिए थोड़ी सी मेहनत और करते हैं, राइट। सो ये आपके कमेंट्स एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। सो प्लीज अपने मैसेजेस छोड़ते रहिए, अपने कमेंट्स हमें भेजते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमें बताते रहिए। इतनी सी तारीफ और हमें मजबूर कर देता है आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स बनाने के लिए, राइट। तो चलिए आज हम चालू करेंगे हमारा छोटा सा चैप्टर। एज यूजल आपको अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठनी है साथ में। मेरा पूरा का पूरा नोट्स, मेरा पूरा का पूरा कंटेंट गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही होगा। सो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपका इतना सा भी कंटेंट मिस नहीं करूंगा। आई विल एक्सप्लेन एवरी एवरी बेसिक डिटेल ऑफ द चैप्टर, राइट, दैट्स अ प्रॉमिस। सो मेक श्योर आप सिर्फ मेरे साथ बने रही है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा डेटा, पूरे के पूरे नोट्स आपको आ जाएंगे। हम स्टार्ट करने वाले आज हमारा बेसिक चैप्टर दैट इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन, और ये चैप्टर आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं सीए मोहित तापड़िया। चलिए सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे पहली सबसे बेसिक डेफिनेशन के साथ में। इस डेफिनेशन का मेन मोटिव रहता है ये जानना कि भैया सबसे पहले पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एक्सक्लूजन होता क्या है। हम इंडियन से सर, हम इंडियन से आजादी के टाइम पे हम 36 करोड़ हुआ करते थे, आज हम 136 करोड़ प्लस हो चुके हैं, राइट। सो हम लोगों ने, इंडिया ने पॉपुलेशन और पॉल्यूशन में गजब तरक्की की है। सो अब ये ऐसा हुआ क्यों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया में इस टर्म को, ये जो पॉपुलेशन बढ़ी है 36 से 136 करोड़ की, इसे कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रो नहीं हुई है, इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई है। सर 36 से 136 करोड़ तक पहुंचना बहुत 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 बड़ी बात है, इतनी छोटी सी बात नहीं। ऐसा आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं कि इंडिया हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, एंड दैट इज फॉर श्योर अ फैक्ट, ये एकदम करेक्ट बात है। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता कैसे है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तब होता है जब हमारी कंट्री में बर्थ रेट उस स्पीड से चल रहे हैं और डेथ रेट अचानक से कम हो जाते हैं, या फिर बर्थ रेट अपने रफ्तार में लगे हुए हैं, डेथ होने के चांसेस बहुत, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो इकोनॉमी में अचानक से बहुत सारा पॉपुलेशन आ जाता है, एंड दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब क्या हो रहा है एज ऑफ राइट नाउ, इनिशियली ऐसा था, राइट। अगर हम बात करें आजादी से पहले की, तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में लोग पैदा भी बहुत होते थे। आप जाके देखिए आपके नाना जी या दादा जी को, आप देखिए आपके पांच पांच छह छह मामा भुआ होती है, राइट। अगर आप अपने फादर की फैमिली देखोगे तो आपके बड़े पापा बहुत सारे होते हैं, तो बिकॉज हमारे दादाजी नाना जी ने खूब प्रोड्यूस किया है। उस जमाने में वही ट्रेंड था सर, सात सात आठ आठ बच्चे एक एक फैमिली में होते थे, तो बर्थ रेट भी खूब थी और डेथ रेट भी खूब थी, क्योंकि भैया इंडिपेंडेंस का फ्रीडम फाइटिंग चल रहा था, लोग मरते बहुत थे, राइट। देश के लिए अपनी जान गंवा देते थे, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल में था, आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, कंट्रोल में था, राइट। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस अब मेडिकल डेवलप हो गया, साइंस डेवलप हो गया, छोटी मोटी बीमारी से लोगों की डेथ होना बंद हो गया। पहले लोग मलेरिया टीबी में मर जाते थे, आजकल वैसी घटनाएं नहीं होती है, बट बर्थ रेट आज भी कंटिन्यू था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑल्दो बर्थ रेट चालू था, पैदा उतने ही फटाफट हो रहे थे, बट मरने की जो संख्या थी वो कम हो गई, और उसके कारण इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन
आ गया। वापस से अगर हम बात करें करंट सिनारियो की, तो अब वापस से पॉपुलेशन धीरे धीरे थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। पहले हमारे कंट्री में ग्रोथ रेट 2% 2.2% प्लस हुआ करती थी, अब ग्रोथ रेट बिलो 2% 1.9 1.8% के आसपास आ गई है, क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं। ठीक है, सो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक टाइम आया था, एक समय आया था जहां पे बर्थ रेट बढ़ रही है, डेथ रेट नहीं बढ़ रही है और नेट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसे कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। सो ये आपका सबसे पहला, सबसे बेसिक डेफिनेशन हो गया, दैट इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब हम देख रहे हैं भैया इंडिया में पॉपुलेशन ट्रेंड कहाँ से चालू होती है, ट्रेंड कैसी है। अगर आप बात करो बेसिकली ट्रेंड क्या बताता है, तो ट्रेंड आपको बताएगा साइज ऑफ पॉपुलेशन, ट्रेंड आपको बताएगा पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, ट्रेंड आपको बताएगा बर्थ रेट, आपको बताएगा डेथ रेट, आपको बताएगा रूरल अर्बन में क्या क्या पॉपुलेशन है, कितने प्रपोर्शन ऑफ मेल और फीमेल है, ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स आपको ट्रेंड बताता है, ये सारी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन आपको ट्रेंड प्रोवाइड करता है। और सबसे पहले सर, हमेशा से इंडिया टाटा फैमिली का कर्जदार ही रहा है, आप मानो मत मानो सर, वन ऑफ माई आइडल रतन टाटा, राइट, हमेशा से टाटा फैमिली का इंडिया कर्जदार ही रहा है। सो यही हुआ था फर्स्ट सेंसस 1871 में भी जमशेद जी टाटा के बहुत प्रेशर के बाद में इंडिया में करवाया गया था। तो पहले सेंसस जो 1871 में हुआ था, दैट वाज आल्सो जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव ऑफ जस्ट जमशेद जी टाटा, राइट। सो यस, इसलिए इंडिया का सबसे पहला सेंसस, ये सेंसस कोई ऑथराइज सेंसस नहीं थे, इनके डेटाज इतने क्लियर नहीं होते हैं, बट देन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कोशिश की थी ये जानने की कि भैया इंडियंस टोटल है कितने, कितने इंडियंस कौन सी पर्टिकुलर साइज ऑफ पॉपुलेशन है, कितने फीमेल्स है कितने मेल्स है वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सबसे पहला एक इनिशिएटिव लिया गया था 1871 के अंदर। अब कुछ डेटास पढ़ते हैं, राइट, चलिए देखते हैं कुछ बेसिक डेटास कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का, बेसिक पॉपुलेशन ट्रेंड का क्या सिचुएशन है। चलिए, सो हम बात करेंगे सबसे पहले कि भैया पॉपुलेशन ट्रेंड किस तरह से चल रही है। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बड़ी सिंपल सी बात है, आप ऑब्जर्व करना, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछ सकते हैं, आपको कोई भी टेबल दे देंगे, कोई भी ग्राफ दे देंगे, चार्ट दे देंगे और आपको कहा जाएगा एनालिसिस लिखो भाई, हमने आपको टेबल दे दिया, हमने आपको एक चार्ट बना के दे दिया है, उस टेबल और उस चार्ट के बेसिस पे आपको एनालिसिस लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, देखिए आपको एग्जाम में या तो एक टेबल दे देंगे या हो सकता है एक चार्ट बना देंगे, यही पूरा का पूरा पॉपुलेशन का चार्ट, राइट। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं छोटा सा इधर एक से बनाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, और आपको बोलेंगे इसके बेसिस पे चलिए बताइए हमारी एनालिसिस क्या रहेंगे, इस टेबल को इस चार्ट को देख के हमारे बेसिक एनालिसिस क्या रहेंगे, तो आपको एनालिसिस ड्रॉ करना पड़ सकता है, कॉमन सेंस रहेगा। चलिए टेबल को थोड़ी देर तक घूरो, आप ऑब्जर्व करोगे तो भैया 1901 के अंदर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.08% थी। अगेन आई एम सेइंग ये डेटा फ्लूक होते, इतने क्लियर इतने सही नहीं होते हैं, क्योंकि उस जमाने में इतना ऑर्गेनाइज सेंसस नहीं होता था। बट 1951 के अगर आसपास देखोगे तो हमारी ग्रोथ रेट 1.25% थी, मतलब 1901 से लेके 1951 तक हर बार ग्रोथ रेट बढ़ रही थी। एक बार खाली 1921 में 0.03% माइनस में चला गया था, एंड दैट ईयर इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिविडेंड, इसे कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिविडेंड कहा जाता है। उसी साल इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माइनस में गई थी, एंड द रीजन आप सबको पता होगा, द रीजन द ग्रेट बंगाल फेमाइन, राइट, फेमाइन फेमाइन्स एंड ड्रॉट्स उस जमाने में बहुत नॉर्मल थे, तो उसके कारण इंडिया में ग्रोथ रेट पहली बार माइनस में गई थी। बाकी टिल 1981 हर साल हमारी ग्रोथ रेट बढ़ती गई और हाईएस्ट पहुंची है 2.22% तक, राइट, हर साल हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है 1901 से लेके 1981 तक, मतलब 80 इयर्स तक इंडिया कंटिन्यूअसली अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करता रहा है, तो सर एक्सप्लोशन होना ही होना है। ठीक है, अब आपको एनालिसिस लिखने पड़ेंगे कि भैया पहला एनालिसिस 1901 से लेके 1921 तक हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, 1921 में पहली बार पॉपुलेशन माइनस में आ रही है, द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बर्थ रेट वाज द ग्रेट बंगाल फेमाइन और द ग्रेट फेमाइन कॉलेरा प्लेग, बहुत सारी महामारी इंडिया में फैली थी 1921 के आसपास। अगेन आफ्टर 1921 अगर हम देखेंगे तो 1931 के बाद में हमारी पॉपुलेशन हमेशा से ग्रो हुई है। 1921 ईयर को कहा जाता है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, राइट, इस ईयर को कहा जाएगा द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। उसके बाद में 1951 से लेके इंडिया अगले 5 साल तक सिर्फ 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 पॉपुलेशन बढ़ाते रहा है, 1981 नहीं 1991 तक आप समझ लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन दमादम ग्रो हो रही है। अगर हम इस पर्टिकुलर टाइम पे हम 36 करोड़ के आसपास थे, राइट, हम थे 36 करोड़ के आसपास, जो
2001 के अंदर हम लोग करीबन करीबन 100 करोड़ के आसपास पहुंच गए थे। हम कितने पहुंच गए थे? 100 करोड़, 100 करोड़ प्लस हो गई थी 2001 में हमारी आबादी। तो अगर आप देखो तो इंडिया ने 50 सालों के अंदर अपनी पॉपुलेशन को 3 गुना कर लिया था, 3 टाइम्स अपनी पॉपुलेशन को कर लिया था। अगेन 2011 के अंदर पॉपुलेशन फिर से गिरने लगी है, 1.64% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आ गई है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे एनालिसिस में लिखनी पड़ेगी। प्लीज मेक श्योर जब भी एग्जाम में एनालिसिस का कंक्लूजन लिखने को कहा जाए, आप मिनिमम 5 पॉइंट तो लिखे ही लिखे। प्लीज मेक श्योर आप मिनिमम 5 पॉइंट लिखे। हाँ, क्योंकि ये आंसर्स मोस्टली 4 से 5 मार्क में ही आता है। मे बी पॉसिबल कि भी एग्जामिनर 2 मार्क में पूछ ले, वैसे नहीं पूछेगा। अगर पूछ ले तो 3 पॉइंट लिख के आओ, ठीक है? एक एडिशनल पॉइंट लिखो, एग्जामिनर खुश होता है कि आपने मोर देन डिमांडेड उनको सर्व किया, दे बिकम्स हैप्पी, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा व्हाट इज। अब सेंसस का दूसरा काम क्या रहता है भैया? मेल फीमेल पॉपुलेशन निकालो। अगेन ये टेबल देख के आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। चलिए हम एनालाइज करते हैं। अगर हम देखें तो 1951 के अंदर हमारी कंट्री में 51% मेल थे और 48% फीमेल थी। लगभग लगभग रेशियो इक्वल जैसा ही था, और आज तक ये रेशियो लगभग लगभग सेम ही चल रहा है। इंडिया में लगभग लगभग पॉपुलेशन सेम चल रही है, जितने मेल्स है उतने फीमेल्स हो रहे हैं, ठीक है? सो 1981 में जब हमारी पॉपुलेशन 36 करोड़ थी, तो उसमें करीबन 18.55 करोड़ मेल्स थे तो 17.56 करोड़ फीमेल्स थे। तो लगभग लगभग सेम रहेगा। वही आज जब 2011 में लास्ट सेंसस जब हुआ था, उसके बाद 2021 में होना चाहिए था सेंसस, बस बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड ऑल दैट थिंग सेंसस नहीं हो पाया था, राइट? सो लास्ट सेंसस को अगर हम कंपेयर करें तो 2011 में हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, जिसमें करीबन 62 करोड़ मेल थी तो 58 पॉइंट सम करोड़ फीमेल्स थी। मतलब अगेन 2-3 करोड़ का डिफरेंस छोड़ दो तो लगभग सेम रहता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मेल फीमेल रेशियो, ये हो जाता है हमारा मेल फीमेल रेशियो। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब इसके बाद देखते हैं जेंडर रेशियो क्या है भैया, कितने 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स रहती है। तो 1901 के अंदर अगर हम देखें इंडिया का और गुजरात का, राइट, हम गुजरात में बैठे हैं, गुजरात बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो गुजरात को कंपेयर करेंगे नेशनल एवरेज से। तो अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो हर 1000 मेल्स पे इंडिया लेवल पे 972 फीमेल्स थी, जो 1901 में गुजरात इंडिया के एवरेज से कम था। मतलब गुजरात में 1954 ही फीमेल थी पर 1000 मेल्स। मतलब एक तरीके से ऐसा बोलो कि 46 मेल्स को कंवारा रहना पड़ेगा, तो भैया आप गलत नहीं हो, आप एकदम करेक्ट हो। हर किसी के नसीब में शादी करना नहीं लिखा है, बट फिर अब ये नेशनल एवरेज कम होता रहा। 2011 में नेशनल एवरेज अगर आप देखोगे तो 940 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स, जो कि अगर आप कंपेयर करो तो गुजरात में बहुत कम है, मतलब सिर्फ 918 है। मतलब अब आप में से कोई करीबन करीबन 82 पीपल आउट ऑफ 1000 मेल्स भैया आप कमा रहे रहने वाले हो। अब यही आंकड़ा अगर आप देखोगे तो हरियाणा में बहुत डेडली है। हरियाणा में देर आर ओनली 879 फीमेल्स फॉर 1000 मेल्स, और वही फिगर केरला में सुपर्ब है। केरला में देर आर 1084 फीमेल्स फॉर 1000 मेल्स। तो अगर आपकी शादी गुजरात में नहीं हो रही है तो सर केरला चले जाओ, हो जाएगी, ठीक है? मजाक की बात है, बट अगर आप ये देखो तो ये करेक्ट फिगर्स है, क्योंकि केरला में एडुकेशन ज्यादा है, वहां पे फीमेल्स मेल्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बाकी इंडिया के पार्ट में नहीं होता है। सो ये रहा हमारा जेंडर रेशियो, हमने देखा कि इंडिया में जेंडर रेशियो कैसा रहा है। चलिए नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एज वाइज पॉपुलेशन को बाइफोगेट करते हैं। आपको पता हो कि नहीं पता हो, इंडिया जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, फॉरेन कंट्रीज हमें यंगिस्तान कहती है। हमें यंगिस्तान कहने का रीजन ये है बिकॉज इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे मैक्सिमम यूथ है, मैक्सिमम यंग लोग है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो हमारी कंट्री के अंदर अगर 2005 में हम कंपेयर करें तो 2005 में करीबन करीबन 32 करोड़ लोग होंगे, राइट? देर वेर 32 करोड़ पीपल ऑफ एज ग्रुप 0 to 14, ठीक है? और 15 से 65 एज ग्रुप वाले 62 करोड़ लोग थे सर। दिस इज वेरी वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी फिगर है ये, राइट? और वही अगर आप देखोगे तो अबव 60 में खाली 4-5% लोग ही थे, बाकी लोग नहीं थे। और ये नंबर कभी भी कम नहीं हुआ। आप अगर देखोगे एवरेजली तो पहले 62, 63, 64, 65, मतलब इंडिया में नंबर ऑफ पीपल हु आर टर्म्ड एज यंग, उनका प्रपोर्शन सेम ही चल रहा है। इसलिए इंडिया को यंगिस्तान कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमारी आबादी के 100% लोगों में 65 तो यंगस्टर्स है,
जो 15 से 60 की उम्र के, अब आप बोलोगे सर 65 तक क्यों गिना जाता है, सर आपकी बात करेक्ट है, 65 तक गिनना नहीं चाहिए, तो भी ये 65 वाले ज्यादा नहीं होते हैं। इंडिया में लगभग लगभग लोग 50-55, 15 से 55 पे अगर आप कंपेयर करें तो 60+, 60% प्लस लोग 15 से 60 की उम्र के बीच के होते हैं। दे आर द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, राइट? माई फादर इज 62 टूडे, ही इज अर्निंग, राइट? तो ऐसा नहीं है कि 60 साल के बाद में आदमी डिपेंडेंट हो जाता है, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज अर्निंग फॉर हिमसेल्फ, राइट? सो दैट्स द रीजन कि इंडिया को यंगिस्तान कहा जाता है। सो दिस वाज एज पर द सेंसस ऑफ 2011। ये सोर्सेज हमेशा अपने टेबल के नीचे लिखना एग्जाम्स में, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि भैया तूने पढ़ाई अच्छी करके रखी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं भैया रूरल अर्बन पॉपुलेशन में कैसा कैसा चलता है। तो आप ऑब्जर्व करना कि रूरल अर्बन के अंदर 1901 में अगर हम कंपेयर करें तो गांवों के अंदर 21 करोड़ लोग थे, जो कि करीबन करीबन 90% हमारे आबादी के थे, और शहरों में सिर्फ 10 से 11% लोग थे। अब शहरों की आबादी हर साल बढ़ रही है परसेंटेज वाइज भी, राइट? अगर आप देखो तो 11% से लेके 32% तक पहुंच गए हैं शहर, जबकि गांव की आबादी कम हो रही है, 90 से लेके 68% पे आ गए हैं। ये भी 2011, आई एम वेरी वेरी श्योर 2024-25 के आसपास जब सेंसस निकलेगा नया वाला, उसमें ये फिगर्स और इम्प्रूव होगी। मतलब हमारी आबादी के बहुत सारे लोगों ने गांव छोड़ के शहरों में अपना घर बना लिया है, 10% से लेके 32% का इंक्रीमेंट हुआ है 100 सालों के अंदर, मतलब गांव से लोग निकल के शहर। और पता नहीं कहीं ना कहीं मैं इस डेटा से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, द ओनली रीजन इज अब कितने सारे शहर गांव गांव रहे नहीं है यार, उनको सिटी बना दिया गया है। अगर आप छोटी मोटी जगह जहां पहले जाते थे, जैसे कि जोधपुर जाओगे, जयपुर जाओगे, अजमेर, ये सब अब सिटीज हो गए, दे आर नो मोर विलेजेस, राइट? सो कहीं ना कहीं इनके बाइफर्केशन में 2025 के सेंसस में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है? सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भैया रूरल अर्बन पॉपुलेशन में भी गजब चेंजेस आए हैं, गाँव में लोग कम हो रहे हैं, शहरों में लोग बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस वॉज अबाउट रूरल अर्बन पॉपुलेशन। आ रही है बात समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, दो नए टर्म्स हम सीखेंगे कि सबसे पहले भैया बर्थ रेट क्या होता है और डेथ रेट क्या होता है। वैसे आपको ये चीजें पता है, फिर भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, राइट? सो याद रखना, बर्थ रेट डेथ रेट हमेशा 1000 लोगों पे, 1000 लोगों पे कैलकुलेट की जाती है, राइट? दोनों को 100 पे नहीं, 1000 पे, मतलब ये परसेंटेज नहीं होता है, मेक दैट श्योर, दिस इज नॉट अ परसेंटेज। सो अगर आपको कहा जाए कि हमारी कंट्री की बर्थ रेट 39.9 है, मतलब हर 1000 में हर साल 29, मतलब करीबन करीबन 40 लोग पैदा हो रहे हैं। ये बात थी 1951 में, 1951 में हमारी कंट्री में हर साल 40 लोग पैदा होते हैं पर 1000, जो कि इंडिया में 2011 में 21 लोग हो गए हैं पर 1000। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन, पूरी आबादी में से कितने लोग नए पैदा हो रहे हैं उससे हम निकाल लेते हैं बर्थ रेट। वैसे ही डेथ रेट में हम निकाल लेंगे टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग मर रहे हैं। बहुत सिंपल सी कहानी रहने वाली है, इसमें कुछ भी नया होता नहीं है। अच्छा थोड़ा सा इधर कांड हो गया भैया, इसको इंप्रूव चेंज कर देना, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ नहीं आएगा डेथ रेट के अंदर, इधर आएगा नंबर ऑफ पीपल हु डाई, नंबर ऑफ पीपल हु डाई, दिस वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम माई टीम। सो मेक श्योर कितने लोग मर रहे हैं इन अ गिवन ईयर, एक साल के अंदर, डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। अगेन द फिगर्स आर ऑन द बेसिस ऑफ 1000 पीपल। अगर आप ये देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा इन लोगों ने थोड़ा सा कांड कर दिया है। अगेन दिस इज डेथ रेट, और यहाँ आ जाएगा डेथ रेट 1951 के अंदर थी 27.4, जो 2011 के अंदर हो गई है 07.1, राइट? सो थोड़े से डेटा चेंज कर देना, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स, राइट? चलिए सो ये हो गया बर्थ रेट और ये हो गया डेथ रेट। बर्थ रेट मतलब कंट्री में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, और डेथ रेट कंट्री में कितने लोग मर रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो तो इंडिया में हर साल 21 लोग पैदा हो रहे हैं पर 1000, और जबकि सिर्फ 7 लोग मर रहे हैं पर 1000, मतलब इंडिया में हर साल पर 1000 में 14 लोग, एटलीस्ट 14 को अगर हम परसेंटेज में गिने तो 1.4% लोग 2011 के अंदर भी थे, मतलब हमारी आबादी 1.5% से फिर भी ग्रो हो रही थी 2011 के अंदर भी। आ रही है बात समझ में? चलिए तो ये था बेसिक डेफिनेशन, अब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट आंसर, भी एग्जाम में कंफर्म्ड आता है, आप लिख लो ये आंसर, आपके एग्जाम में कंफर्म्ड 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 आएगा। दैट इज व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा बर्थ रेट क्यों है भैया, उसके कॉजेस क्या क्या है। सो हाई बर्थ रेट के कॉजेस को हमने 3 सेगमेंट में बांट रखा है, सबसे पहला सोशल फैक्टर, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, और तीसरा अदर फैक्टर्स, राइट? चलिए स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कंफर्म्ड आएगा, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर।
और मैं साथ साथ में आपके लिए यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि ये आंसर एग्जाम में आने वाला है, कंफर्म्ड आने वाला है। आपके टेक्स्ट बुक के बाजू में लिख दो मेरा नाम मोहित, और जो भाई बोलता है वो कंफर्म्ड होता है भाई। याद रखने का, भाई की बोली बंदूक की गोली, पीपल नो दैट राइट। सो ये कंफर्म्ड आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। चलिए सब देखते हैं, व्हाट आर द बेसिक सोशल फैक्टर्स जिसके कारण हमारी कंट्री में हाई बर्थ रेट है। सबसे पहला, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज। हमारी कंट्री के अंदर शादी करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है भैया, हर आदमी शादी करता है। अगर कोई आदमी शादी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसे लड़की नहीं मिल रही है। कोई अपनी इच्छा से, अपनी विलिंगनेस से शादी नहीं करे, ऐसे बहुत रेयर स्पीसीज है। मतलब अगर हमारे में तो ऐसा प्रिजम्पशन है कि अगर कोई लड़का शादी नहीं कर रहा है, मतलब यार इसमें कुछ कमी होगी, इसको कोई लड़की नहीं दे रहा होगा। इट्स नॉट कि उसकी विश है, उसकी विल है, नहीं भाई नहीं, उसकी इच्छा नहीं हो सकती। ही इज नॉट गेटिंग अ गर्ल एंड दैट्स द रीजन ही इज सिंगल स्टिल, राइट। सो इसलिए हमारी कंट्री में शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एवरीवन गेट्स मैरिज मैरिड यार। मेरे दोस्तों में, मेरे रिलेटिव्स में एक भी बंदा नहीं पता है जो शादी नहीं कर रहा है, या जिसने शादी नहीं की है, या जिसे शादी नहीं करना है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि एवरीवन गेट मैरिड, राइट। सेकेंड वन, अब ये मैरिज की एज भी बहुत जल्दी होती है, लोग बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे शहर में बैठे तो ठीक है, आपके वहां पे शायद मैरिज की एज लेट हो, बट आज की तारीख में अगर आप गांव में जाओगे तो वहां पे मैरिज एजेस बहुत बहुत अर्ली है, 20-21 साल की उम्र में लोग शादी कर लेते हैं। शहरों में ये नंबर 25-26 तक पहुंचता है, बट गांव में आज भी 20-21 साल का ही है, 2021 का हुआ नहीं, लड़का या लड़की उसकी शादी कर देते हैं। और साथ साथ में वीडियो री मैरिजेस भी आजकल लोगों ने बहुत इजीली ओपन माइंड से एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके कारण भी बहुत बहुत शादियां होती है। जब भी कोई औरत वीडियो होती है, उसको फिर से री मैरिज करने का ऑप्शन मिलता है, तो अगेन दे गेट मैरिड। सो अगेन दे गेट अ टाइम, अगेन दे गेट एन ऑप्शन टू इंक्रीज पॉपुलेशन फॉर द कंट्री, राइट। एंड नेक्स्ट वन, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। पता नहीं आ रही है क्या बेवकूफी हमारी कंट्री में आज भी चलते आ रही है। अगेन इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आप एक अच्छे शहर में बैठे, बड़े मेट्रो में बैठे हैं, तो आपको शायद ये देखने को नहीं मिलेगा, राइट। बट अगर आप बड़े शहर में नहीं है, अगर आप सूरत में नहीं है, अहमदाबाद में नहीं, आप कुछ किसी छोटी गांव में बैठे, तो वहां पे आपको देखने मिलेगा कि सर यस, देर इज अ प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। ऑफ कोर्स देर इज अ प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। मुझे आज भी पता है, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी चार बहनें थी और उसके बाद में पांचवा वो हुआ था, राइट। उससे पहले उसकी चार बड़ी बहनें थी, तो हम सब उसको फुल स्टॉप बुलाते हैं। मजाक मजाक में, और एक तरह से फैक्ट है यार, अगर बाई चांस वो नहीं होता तो उसकी 6-7 बहनें और होती है अभी तक, राइट। सो ही वॉज द फुल स्टॉप वेर इज फादर स्टॉप, राइट। सो बेसिकली ये करेक्ट है यार, पता नहीं इंडिया में मेल चाइल्ड का आज भी फोबिया है। पीपल फील कि भैया अगर मेल चाइल्ड होगा तो ही वो माँ बाप की अस्थि को आग लगाएगा, और अगर एक मेल चाइल्ड माँ बाप की अस्थि को आग लगाएगा तो ही उन्हें स्वर्ग मिलेगा, राइट। दिस इज अगेन सुपरस्टिशियस, बट लोग मानते हैं। दैट्स द रीजन द क्रेविंग फॉर मेल चाइल्ड गिव्स राइज टू ग्रेट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इन आर कंट्री। द लास्ट वन, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। सर ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत सिंपल कर देता है, बच्चे पैदा करना और बच्चों को पालना। पता नहीं चलता यार परिवार में कब। सो ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, कभी कभार फैमिली की तरफ से प्रेशर की भैया बच्चा करो, बहुत दिन हो गए, राइट। सो ये अंदरूनी प्रेशर, ये फैमिली के सिस्टम्स के कारण भी हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ रही है, राइट। सो दीज वर द सोशल फैक्टर्स व्हाई आर कंट्रीज हैविंग हाई बर्थ रेट। बहुत सिंपल है, दो दो लाइन में स्टेटमेंट एक्सप्लेन करोगे चलेगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। सबसे पहला, हमारी कंट्री में इतना एडुकेशन का लेवल नहीं है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, लोग आज भी नहीं समझ रहे हैं कि स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली होती है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ बेसिक फैक्ट, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडुकेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिटरेसी, पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। सो इसके कारण लिटरेसी, एडुकेशन के कम होने के कारण हमारी कंट्री में आबादी ज्यादा है। लोगों की कमाई बहुत कम होती है। जब लोगों की कमाई कम होती है, उनके मन में एक ऐसा परसेप्शन होता है कि यार हमारे जितने बच्चे होंगे उतना पैसा, जैसे कहा जाता है ना, मोर हैंड फेचेस मोर मनी, जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना पैसा कमा के लाएंगे, राइट। गरीब आदमी भी यही सोचता है, एक बेगर भी यही सोचेगा कि मेरे 4-5 बच्चों के 3-4 सिग्नल पे पैसे मांगेंगे, ज्यादा भीख मांग के ज्यादा घर के अंदर लेके आएंगे। वो ये नहीं समझ पाते कि जितने लोग होंगे उतने, जितने भगवान हाथ देगा तो भैया उसको खाने के लिए आपको दाना भी देना पड़ेगा, उसका मुंह भी देगा, पेट भी देगा, जिसको भरने के लिए आपको पैसा भी कमाना पड़ेगा। बट स्टिल हमारी कंट्री में ऐसा बिलीफ है, मोर हैंड फेचेस मोर मनी, इसलिए गरीब आदमी ज्यादा बच्चे पैदा करता है कि चलो अभी ज्यादा बच्चे होंगे, 3-4 जने कमा के लाएंगे, परिवार सुखी रहेगा। दैट्स द रीजन इंडिया में आबादी बहुत ज्यादा होती है। द लास्ट वन, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। हमारी कंट्री के अंदर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा है, ऐसा कहा जाता है। पर 1000 में से इंडिया में आज भी 2011 के सेंसिस के हिसाब से 41 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साल खत्म किए बिना ही मर जाते हैं।
एक साल हुए बिना ही मर जाते हैं। ये कसम से बहुत ड्रास्टिक चीज है, बहुत घटिया चीज है ये फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जो हर चीज में आज आगे बढ़ रहा है, बट इन आंकड़ों पे आज भी वो रोक नहीं लगा पा रहा है। अगर आप डेवलप्ड नेशन में जाओगे, अमेरिका, जापान, वहां पे ये नंबर 1, 2, 3 होता है। 1,000 में से कुछ एक दो बच्चे अपनी जान गंवाते हैं, वो भी कुछ ऊपर वाले की कृपा से, बाकी मेडिकल और साइंस में कोई कमी रहती नहीं। सो दिस फिगर इज टू बी टेकन केयर ऑफ। इसके बाद बात करते हैं हाई अदर फैक्टर्स, और भी छोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं कि भैया क्यों पॉपुलेशन बढ़ती है। सबसे पहला हाई फर्टिलिटी रेट। हमारी कंट्री में फर्टिलिटी रेट वैसे नॉर्मली हर जगह ज्यादा होती है, बट हमारी कंट्री में मैरिज की एज जल्दी है, राइट? फॉरेन नेशन में एक आदमी 27-28 साल तक तो शादी के बारे में सोचता भी नहीं है, और हमारे यहाँ पे 27-28 में दो बच्चे की माँ बन जाते हैं, दो बच्चे के बाप बन जाते हैं, राइट? बिकॉज हमारे यहाँ पे फर्टाइल एज ज्यादा होती है। जब एक लड़की 20-21 साल की उम्र में शादी कर लेगी, एक लड़का 20-21 साल की उम्र में शादी कर लेगा, दे गेट मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू मेक बेबीज, राइट? उनके पास फर्टाइल एज बढ़ जाता है 20-21 साल से लेकर 28 साल तक, जहां पे फॉरेन 28 साल के बाद में शादी करते हैं बाकी देश में, तो हमें 8 साल ज्यादा मिलते हैं। 8 साल ज्यादा मिलने के कारण हमारी पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। एंड द नेक्स्ट इज लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन। सरकार ने बहुत कोशिश की लोगों तक पहुंचाने के लिए, गांव गांव घर घर तक जाती थी सरकारी टीम, कि लोगों को समझाती थी कि भैया फैमिली प्लानिंग फॉलो करो, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली है। देन टू देर वर मेनी जो समझ नहीं पाई ये बात, और सरकारी फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, उसके कारण भी हमारी कंट्री में बर्थ रेट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। बट ये मेरे हिसाब से बहुत पुरानी बातें हो गई है। आज की तारीख में लोग समझदार हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, हम दो हमारे दो लोग समझते हैं, और इस चीजों को बहुत अच्छे से आपको देखने मिलेगा, राइट? सो दिस इज ऑल द रीजंस, ऑल द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट इन आर कंट्री। इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर एज वेल एज अदर फैक्टर, राइट? अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर। चलिए, ये तो बात हो गई भैया हाई बर्थ रेट की। अब हम बात करेंगे क्यों भैया हमारी कंट्री में लो डेथ रेट है। व्हाट आर द बेसिक कॉजेस, क्यों भैया डेथ रेट कम हो गई है? सबसे पहला रीजन, इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गया है सर, हमें रहने के लिए अच्छे घर मिलने लग गए हैं, हम अच्छे अच्छा खाना खाते हैं, हम लोग बहुत साफ सुथरे एनवायरमेंट में रहते हैं, तो हमारे बीमार होने के बहुत सारे जरिए खत्म हो गए, अब हम बीमार होते ही नहीं है, वी आर वेरी हेल्दी। सो बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे यहाँ पे डेथ रेट बहुत कम हो गई है। सेकेंड इज, अब ये जो एपिडेमिक्स आते थे इनको भी बहुत हद तक हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। ये एपिडेमिक्स के कंट्रोल होने के कारण भी, ये स्पेलिंग वापस से गलत लिख दी, एपिडेमिक्स की आर नहीं आएगा, राइट? सो एपिडेमिक्स, पहले प्लेग आ जाते थे, फेमाइंस आते थे, ड्रॉट्स आते थे, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंस और मेडिकल इतना आगे बढ़ गया कि ये सारे एपिडेमिक्स को बहुत पहले से वो कंट्रोल कर लेते हैं। सो ऐसी कोई भी महामारी ना फैलने के कारण भी हमारी कंट्री के अंदर बहुत अच्छा खासा कंट्रोल है। ये अभी मैंने, आज टुडे आई एम 32, राइट? सो मैं मेरे 32 साल की एज में मैंने प्लेग भी देखा है, मैंने कोरोना वायरस भी देख लिया, वी हैव सीन ग्रेट अमाउंट ऑफ कलामिटीज, राइट? बट तो भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इतनी सतर्क है, गवर्नमेंट इतनी, साइंस इतना डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड है कि हम पहले से फ्यूचर में होने वाले हार्म को प्रिडिक्ट करते हैं, लोगों को उसके लिए बचाने की तैयारी करते हैं। और सच में बहुत बड़ी बात है कि कंट्री लाइक इंडिया हैड फॉट अ वेरी वेल फाइट विद कोविड-19। 100 करोड़ प्लस लोगों को वैक्सीनेशन देना वॉज अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, राइट? सो दिस इज द रीजन कि हमारी कंट्री में डेथ रेट बहुत कम हो जाती है। कंट्रोल ऑन ड्रॉट, आज की तारीख में कहीं पे भी ड्रॉट नहीं है। मतलब आपको मुश्किल से कोई पेपर में आपको देखने मिला होगा कि भैया एक आदमी मर गया, खाना नहीं मिला उसलिए उसको। सो ये चीजें अब खत्म हो चुकी है। इंडिया बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशियंट हो चुका है। एंड द लास्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल कलामिटीज। हम कोई भी नेचुरल कलामिटी को टेक्नोलॉजी पहले से भाप लेता है, भैया पता है इस किनारे पे फ्लड आने वाला है, तो सरकार अपनी पूरी फोर्स को लगा देती है उस किनारे के लोगों को खाली करने के लिए। 24 घंटे में 16 से 20 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और उस पर्टिकुलर फेमाइन से या उस पर्टिकुलर तूफान से लोगों को बचाने की हमारी प्लानिंग हमेशा सक्सेसफुल रहती है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर हैविंग अ वेरी 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 लो डेथ रेट, क्योंकि हमारे यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट एफर्ट्स, दे ऑल आर गोइंग वेरी गुड, एंड दैट्स द रीजन इंडिया इज डूइंग गुड। एंड लास्ट वन, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, व्हाट आर द बेसिक मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अब आबादी कम करने के लिए, आबादी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, एडुकेशन।
अवेयरनेस। आपको बहुत बड़े लेवल पे लोगों को एडुकेट करना पड़ेगा, आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि भैया बच्चे पैदा करना ही सिर्फ हमारा काम नहीं है। अ वुमेन मस्ट नॉट बी फोर्स टू प्रोड्यूस 5, 5, 6, 6 बेबीज, राइट? दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट। सो यू नीड टू अवेयर पीपल कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से कोई फैमिली पैसे वाली नहीं होगी। हम दो हमारे दो इज अ ग्रेट प्रिंसिपल, राइट? दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग टू बी फॉलोड अपॉन, राइट? हम किसी भी रिलीजन के, हम किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, हमें ये बेसिक प्रिंसिपल समझना चाहिए कि हमें छोटी फैमिली ही अच्छी फैमिली होती है। एक सिंपल सी बात रहेगी, राइट? सो इसलिए इस चीज के लिए एक अच्छा अवेयरनेस, इस चीज के लिए एक अच्छा एडुकेशन घर घर तक लोगों तक पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। हमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो सरकार की बहुत अच्छी योजना है, उसे लोगों तक, गांव तक, खेड़े तक, छोटे मोटे जिलों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे लोगों को समझा पाए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट, की फैमिली प्लानिंग क्या होती है, उसे किस तरह से किया जाना चाहिए। मैरिज केस को रेस कर दो, नो डाउट गवर्नमेंट डिड इट जॉब 18 से 20, 21 साल तक किया है, बट इसे थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए, कोई गलत बात नहीं। अगर इसको 22, 23 तक कर दोगे तो अगेन इट विल बी अ गुड एफर्ट, राइट? सो मैरिज की एज को और इंक्रीज करो तो भी गलत नहीं होता, जिससे ऑटोमेटिकली द फर्टाइल टाइम विल बी लेस, सो ऑटोमेटिकली द पॉपुलेशन विल बी कंट्रोल्ड ऑन अ वेरी वेरी ग्रेटर लेवल। एंड द लास्ट नेक्स्ट वन, इंसेंटिव्स एंड डिसेंटिव्स। ये बहुत गजब चीज है यार, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर कोई फैमिली, कोई कपल अपनी फैमिली को छोटा रख रहा है तो भैया उसे इंसेंटिव्स दो, और अगर कोई नहीं मान रहा है तो भैया उनको पनिश करो, ऐसा होना चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट कि भैया चाइना ने किया था, अगर आपके पास दो से ज्यादा बच्चे हैं, अगर आपका तीसरा बच्चा हो रहा है आपको उसको फौज में भेजना पड़ेगा, चलो अच्छी चीज है। या फिर अगर आपके पास दो से तीसरा बच्चा हो रहा है तो उसको किसी भी तरह की गवर्नमेंट की सुविधाएं नहीं मिलेगी, सरकारी योजनाओं में उसको कुछ भी अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे डिस इंसेंटिव भी देना जरूरी है, जिससे लोग समझे और लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पे 100% अपने एफर्ट्स देना चालू करें। एंड द लास्ट वन, एक्सपांशन इन मेडिकल सर्विसेज एंड इट्स ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। घर घर तक लोगों तक मेडिकल सर्विसेज पहुंचनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए मेडिकल सर्विसेज। लोगों को जब कभी भी किसी भी मेडिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट हो तो वो फैसिलिटी उनके पास 100% मिल जानी चाहिए। अगर ये सब सरकार कर पाएगी, अगर ये एफर्ट्स सरकार और हम और आप, राइट, हम फ्यूचर है भैया देश का, आप भविष्य हो देश का, राइट? अगर आप इन चीजों को आज समझोगे और अपनी एडुकेशन को आप आगे तक लेके जाओगे, तो आई डोंट फील कि हमारी कंट्री को कोई भी खराब कर सकता है, या हमारी कंट्री में पॉपुलेशन का बर्डन क्रिएट होकर हमारी कंट्री पीछे रह सकती है, या हमारी फैमिली पीछे रह सकती है, राइट? आज मेरे फादर, हम दो तीन भाई बहन है, तो हमारे फादर ने हमारे अच्छे से परवरिश कर दी, राइट? हमें खिलाया, हमें पिलाया, हमें दुनिया भर की, हमें सुख आराम दिए, हमको जितना पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था, आर फादर गेव अस, राइट? वही अगर हम 5, 6 होते तो शायद हम इतना पढ़ाई नहीं कर पाते, शायद हम इतना पैसा हमारे फादर हम पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। सो यू आर द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री। दिस एडुकेशन, दिस अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल चैप्टर। आई होप द चैप्टर इज वेरी इजी। ये चैप्टर तो बेसिक एक डॉक्यूमेंट्री की तरह है यार, बहुत सिंपल चैप्टर है। आई होप आपको चैप्टर पूरा समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक में यही सारे कंटेंट दिया होगा, अंदर पॉइंट्स, पैराग्राफ दिए होंगे, आपको दो दो तीन तीन पॉइंट याद करके सीधा का सीधा एग्जाम में लिख के आना। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। मन से लिखोगे तो भी चलेगा, बट प्लीज मेक श्योर अगर आप मन से आंसर लिख रहे हो तो आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे हो। यार बड़ा गंदा लिखते हो आप लोग, सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में स्टेटिस्टिक्स के लिए लेके आने वाला हूँ। चलिए, अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं मतलब आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है, और अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है मतलब कहीं ना कहीं आपको मेरे वीडियो में मजा आ रहा है। तो भैया मजा आ रहा है तो मुझे बताओ यार, मुझे बताओ, मुझे भी बड़ा मजा आएगा। वापस से मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विल मीट अगेन नेक्स्ट।